आप सभी लोग और फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मॉनसून में आप हेयर केयर किस तरह से कर सकते हो और वाइट हेयर के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल है। ये जो मैं आज रेमेडी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं और आप चाहते हैं कि आपके बालों को बहुत ही अच्छे से मेलानिन मिले ताकि आपके बाल काले बने रहें, अगर एक हाथ बाल सफ़ेद हैं तब भी ये वर्क करेगा और ज़्यादा बाल अगर सफ़ेद हैं तब भी ये वर्क करने वाला है, क्योंकि ये रेमेडी इस तरह से अगर आपने यूज़ करना शुरू कर दिया अपने बालों पे तो ये आपके बालों को सफेद होने से भी बचाएगा, बालों को काला बनाए रखेगा, लंबा करेगा, घना करेगा। साथ ही साथ मॉनसून में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है बालों में, बालों का टूटना झड़ना और बहुत सारे बाल डैमेज हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा बाल हमारे जो ड्राई हो जाते हैं, स्कैल्प ड्राई हो जाती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप इन सारी चीजों से परेशान हैं तो इस रेमेडी को बिल्कुल इसी तरह से प्रिपेयर करें और जब भी आप शैम्पू करते हो तो बिल्कुल इसी तरह से शैम्पू आपको यूज करना है, जिससे कि आपके बालों में बहुत अच्छे से जान आएगी, वॉल्यूम अच्छा हो जाएगा, आपके बालों के टूटना बंद हो जाएंगे, डैंड्रफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सफेद बालों की समस्या दूर होगी। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं और इस DIY को किस तरह हम प्रिपेयर करेंगे वो पूरी वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में। सो चलिए वीडियो देख लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक आयरन पैन की जरूरत है। गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और हम यहाँ पे हाफ कप वाटर लेने वाले हैं। हाफ कप वाटर लेना है आपको, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करने वाले हैं फेनुग्रीक सीड्स, जिसे कि मेथी दाना कहा जाता है। आप इसका पाउडर बनाकर भी यूज कर सकते हैं या फिर इस तरह से अखे फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बड़े चम्मच आपको मेथी दाना लेना है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 से 9, जिसे कि काली मिरी कहा जाता है। हमारे स्कैल्प में जाके ये हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी करती है और ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छे हो जाते हैं। तो इसे मैं अच्छी तरह से यहाँ पे कूटने वाली हूँ। दैट मीन्स आपको इस तरह से अच्छे से इसे बारीक कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, पानी में बॉइल आना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ, आप चाहे तो इसमें कॉफी ऐड कर दीजिए या फिर आप इसके अंदर चाय की पत्ती ऐड करेंगे, ठीक है। बालों को सॉफ्ट बनाने का काम करती है चाय की पत्ती और कलर देने का अच्छा काम करती है। तो एक चम्मच के तकरीबन आपको चाय की पत्ती ले लेना है, ये देखिए, और इसे अच्छी तरह से हम बॉईल करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोगों को आवाज आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे साइड में जो ब्लैक पेपर है उसे क्रश कर रही हूँ। ये देखिए, ये अच्छी तरह से क्रश हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के पीएच लेवल को इंक्रीज करती है काली मिरी, जो ब्लैक पेपर होता है। और जब भी आप अपने बालों पे इस तरह से इसका एप्लीकेशन यूज करोगे तो सफेद बालों की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। ये देखिए, अच्छी तरह से ये बॉयल आना शुरू हो गया है। तो मैंने आपको दो ऑप्शन दिया था, ये मीन्स आप इसमें कॉफी भी ऐड कर सकते हो या फिर चाय की पत्ती, ठीक है। तो दोनों का काम वही होता है, कलर देने का, ठीक है। अब हम इसे अच्छी तरह से बॉयल करेंगे। अभी एक कप पानी को हाफ कप में टर्न करना है आपको और इसके बाद आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए। तो चलिए इसे अच्छे से बॉयल होने देते हैं। जैसे जैसे ये बॉईल हो रहा है दोस्तों, अब आपको मैं सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट दिखाऊंगी जो कि आपको ऐड करना है, जिसे कि हम अपने घर में ही देखिए किचन में हमारे अवेलेबल होती है, ये है अनियन। तो आपको अनियन लेना है इस तरह से और आपको क्या करना है, इस वाटर में इसे क्रश करके डाल देना है। अनियन हमारे बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जो सफ़ेद बालों की समस्या होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर अनियन का जो जूस है, ये पेस्ट जिस तरह से आपका बन जाएगा, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से, तो आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो हाफ अनियन ले लीजिए और उस तरह से आपको इसमें ऐड कर देना है, ये देखिए, ठीक है। हमने इसको ऐड कर दिया है अच्छे से, इसे अच्छी तरह से आपको चला लेना है, गैस की फ्लेम को कम करना है। जैसे ही आपका ये देखिए मिक्सचर रेडी हो गया है, हम तो इसे हम अब स्ट्रेन आउट कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे का प्रोसीजर। तो यहाँ पे आपको एक सेफ बोल लेना है, कांच की कटोरी ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम इस प्रोसीजर को रेडी कर रहे हैं।
ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारा ब्लैक फॉर्म में ये रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। कढ़ाई में बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को आपको फेंकना नहीं है, इसे आप एकदम अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पेस्ट भी अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये प्रोसीजर हमने रेडी कर लिया है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं हनी, जो कि बहुत ज़्यादा नॉरिशमेंट देती है बालों को। हनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमारे स्कैल्प के पीएच लेवल को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देते हैं। तो 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग इस तरह से आप हनी का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। इसके बाद हमें क्या यूज़ करेंगे हम शैम्पू। जब भी आप शैम्पू करते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल इसी तरह से शैम्पू करिए। शैम्पू की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ही कम मात्रा में ही आपको इस तरह से शैम्पू का यूज़ करना है और इसे इस इंग्रेडिएंट में ऐड कर देना है। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है शैम्पू के साथ। जब भी आप शैम्पू करने जाते हैं तो इस रेमेडी को बिल्कुल इसी तरह से बनाएं, अपने बालों पे लगाएं, जो सफ़ेद बालों की समस्या है 100% ये सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से शैम्पू करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स, आपके बालों में बहुत ही अच्छे से वॉल्यूम आ जाएगी, बाउंस आएगा, बाल आपके काले लंबे और घने हो जाएंगे। तो इसे लगाना कैसे है, सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन को अपने बालों पे लगा के छोड़ दीजिए, कम से कम 10 से 15 मिनट लगे रहने दीजिए, उसके बाद आप अपने बालों को धो लीजिए। इसका प्रोसीजर आप जब भी बालों को शैम्पू करते हो तो यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 3 बार आप अगर अपने बालों को धोते हैं तब आप इसका यूज़ करें। अगर आप मेन हेयर रोज़ यूज़ करते हैं तो आप इसे रोज़ डेली भी यूज़ कर सकते हो। एक बॉटल में बना करके रख लीजिए, 1 वीक तक ये खराब नहीं होगी और 1 वीक के बाद आप इसे फिर से बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करें जरूर मेरे चैनल को, ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका है सफेद बालों से छुटकारा पाने का, इसे एक बार ट्राई करिएगा और आपका फीडबैक मुझसे जरूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।